press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सेंसिटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार यास्मीन हफीज को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया लाई खान जी, जो कि बात करेंगी पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। तो इसी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे आप देखेंगे नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। दुपट्टा रख करके ममता के बगल में तो बैठ जाती है, पर बाद में हाफ पैंट में टिकटॉक बना करके लुंगी वालों का लुंगी गर्म करती है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। ये जो नुसरत रूही जहान जैन है, ये ईडी से भागी भागी फिर रही है, क्योंकि हजारों सीनियर सिटीजन का अरबों खरबों रुपया लेकर के ये चिटिंगबाजी करके बैठी हुई है। ईडी का कोई सम्मान है इनके पास? ठीक है, हमने 1989 से 1991 में जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार और जेनोसाइड होते हुए देखा था। बेनजीर भुट्टो, लश्करे तैयबा और यासीन मलिक के नेतृत्व में मस्जिद में कश्मीरी पंडित की बेटियों को बैठा करके नंबर लगाया जाता था कि कौन किसके बिस्तर पर कितने समय पर जाएगी। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं, ये बात सबको पता है। और जो कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, उन्होंने अपनी बीती उन्होंने खुद कैमरा के सामने रखा है। और वही सेम सीन नरसंहार और जेनोसाइड का पश्चिम बंगाल में चल रहा है। हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही है। पश्चिम बंगाल का मुसलमान नासर खान हो या कादर खान हो, वो क्रिश्चियन लड़कियों को दबोचता है। अमीरुल हो, वो हिंदू लड़की को दबोचता है। बांग्लादेशी मुसलमान 72 साल की नन का चर्च के अंदर एंटर करके बलात्कार करता है। और शेख शाहजहां हो तो वो हजारों मास रेप करता है, लेकिन हिंदू महिलाओं का, जिनके सर पे सिंदूर होता है, हाथ में शाखा पौला होता है, पैर में अलता होता है, पैर में बिछिया होती है, उसी को टारगेट किया जाता है, उसी को टारगेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में एक पीर साहब ताहा सिद्दीकी, उन्होंने मुझे भी रात में 12 बजे बुलाया था एनपीजे होटल में। ये मैं अपनी आप बीती बता रही हूं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे रात में 12 बजे होटल क्यों बुला रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ जरूरी बात है जो फोन पर नहीं किया जा सकता है। और मैं गई अपने ड्राइवर के साथ। जब मैं एनपीजे एयरपोर्ट होटल पहुंची और जब मैंने वहां का दशा और दिशा देखा, तो मैं उल्टे पैर आई। और उसके बाद फिर मैंने मीडिया को बताया कि ये पीर साहब है। मैं देवबंद जमात के और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम दाढ़ी वालों से और टोपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदू को तो काफिर बोलते हो भैया, और इस्लामिक प्रेचर और जाकिर नायक की दलाली करके हिंदुओं का तो सरतन से जुदा करने के लिए निकल जाते हो, पर हमारा अल कुरान तो मजार परस्ती करने वाले को भी बोला है कि वो मुसलमान नहीं रह जाता है, तो मजारे क्यों नहीं तोड़ते हो? मजार परस्ती करने वाले और मजार में जाकर के माथा टेकने वाले का सरतन से जुदा क्यों नहीं करते हो? ये जो पीर बाबा लोग जो बैठे हैं, चाहे वो इमाम बुखारी हो, चाहे वो ताहा सिद्दीकी हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो सुलेमान हो जो घाटकोपर से अरेस्ट हुआ, ऐसे लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतनी लैविश लाइफ कहां से आ रही है? कहां से? इमाम बुखारी जो खुद को नबी कहलवाता है धरती का, उसका इकलौता बेटा हिंदू से शादी करता है, तो हिंदू काफिर कैसे? अब हिंदू के पेट से जन्मा हुआ बेटा इमाम बुखारी, वो फिर इमाम बनेगा कहां का? दिल्ली का जामा मस्जिद का। और बुरे हमने तो कलमा कभी बेचा नहीं 501 रुपए में, हमने तो अल्लाह का कलाम कभी बेचा नहीं 501 रुपए में। ये जितने बुखारी, मुफ्ती, तरजा, ये जो जितने लोग, ताहा सिद्दीकी, ये जितने लोग बैठे हैं, एकड़ एकड़ में इटालियन मार्बल का बंगला, घर के अंदर स्विमिंग पूल, कल्पना भी नहीं कर सकती हूं मैं उतने पैसे का। 8-8, 9-9 गाड़ियां, चंदा, फितरा, जकात और औरतबाजी, वाओ, ये है हमारा इस्लाम। और जब मैं ये बात सच्चाई सामने रखती हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे नाज़िया तो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, मैंने क्या काम किया इस्लाम के खिलाफ का? जो नुसरत रोही जहान जैन, जिसको महिला मुसलमान सांसद बना करके बशीरहाट में भेजा गया है, ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रही है? मुझे तो गर्व है
कि मैं ये नंगा नाच तो नहीं कर रही हूं। अब मैं आती हूं कि जब नड्डा जी ने, जेपी नड्डा जी ने 6 महिला सांसद की टीम बना करके जब भेजा संदेश खाली में महिलाओं के दर्द को सुनने के लिए, तो उनको एंटर नहीं करने दिया गया। मैं गई, मुझे एंटर करने नहीं दिया गया। जब एससी एसटी चेयरमैन संदेश खाली पहुंचते हैं आर्टिकल 338 पर उन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो उनके साथ भी बहुत अभद्र सलूक किया गया। जब एससी एसटी महिला चेयरमैन वहां पर पहुंचती हैं और वहां पर सेक्शन 154 के तहत अंडर सेक्शन 376 और 376D पर FIR दर्ज करवाती हैं, तो उनके साथ भी अभद्र सलूक किया गया। जब नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा जी वहां पर पहुंचती हैं, तो DGP उनसे बात तो करते हैं पर दो फोन आने के बाद कहते हैं कि शेख शाहजहां के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। शेख शाहजहां ने सिर्फ महिलाओं का बलात्कार नहीं किया है, उन महिलाओं, गरीब महिलाओं के की चाश की जमीन हड़पी है, 2000 एकड़ से ऊपर जमीनें हड़प ली है, मीठा पानी बिक्री करता है और नमक वाला पानी वहां पर देता है। साथ साथ आज तो सुबह की बात है भाई कि NIA की टीम भी बशीरहाट और संदेश खाली पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि बम बारूद और असलाह का कारोबार भी शेख शाहजहां करता था। 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है शेख शाहजहां के पास। निपट जाहिल शेख शाहजहां, उसके पास 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। तो जब एक चुन्नू मुन्नू सा नेता शेख शाहजहां के पास 200 करोड़ की संपत्ति है, तो महिला सांसद नुसरत रूही जहान जैन के पास कितने करोड़ की संपत्ति हो चुकी होगी, ये भी समझने की बात है। और तो और सुने, जो मीडिया वहां पर एंटर करती है पता करने के लिए और उनके दर्द को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, उस मीडिया के साथ क्या किया जाता है ये भी मैं दिखाना चाहूंगी। बलात्कारी नासर खान जैसा मुसलमान नेता और मंत्रियों के गोद में पलता पसाता है और डेमोक्रेसी का 4 पिलर मीडिया उसको आरोपी की तरह घसीट करके उसको गिरफ्तार किया जाता है। 2021 में फरहाद हकीम साहब ने कहा था कोलकाता पाकिस्तान के दडॉन न्यूज़पेपर को, उनके एंकर को, कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है और वाकई में कोलकाता मिनी पाकिस्तान बन गया। और आज सिर्फ नाजिया नहीं कह रही है, आज पूरी दुनिया कह रही है। मैम, ये शेख शाहजहां के साथ ये तो जो दो नाम और जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये शिव प्रसाद हजारा और उत्तम सरदार, ये तीनों का जो पूरा इनका पूरा सिंडिकेट सामने आया है, किस तरह से क्या क्या कर रहे थे वहां पर, काफी खौफनाक। और मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहब का सुन रही थी, लोगों उन महिलाओं से मिले हैं, उन्होंने कहा ऐसी आप बीती उन लोगों की है कि दिल भर आए कि कैसे ये सब चल रहा था। और आप कह रहे हैं 2012 से ये सब कुछ चल रहा था, मतलब इतने लंबे वक्त से इतना शोषण महिलाओं के ऊपर, इस तरह का हैरेसमेंट, ये तमाम चीजें, और अब तक ये नजर के सामने नहीं आई। अगर महिलाएं आक्रोशित होकर इस फ्रस्ट्रेशन में अब बाहर नहीं निकलती कि बस अब बहुत हो गया, तो मुझे तो लगता है कि आगे भी ये तमाम चीजें सामने नहीं आने वाली। आप सोचिए ना कि बिल्किस बानो के बारे में समाजवादी पार्टी भी करती है आपके उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी जी भी करते हैं, ममता बनर्जी तो सबसे ज्यादा चीखती है, पर उनके राज में उनकी मंत्री के गोद में बैठा हुआ जो नासिर खान है, मुसलमान मंत्री के गोद में बैठा हुआ, वो भी रेमिशन ग्राउंड पे बाहर आया हुआ है नासिर खान। और वो है कौन? वो नुसरत रूही जहान जैन का दोस्त है और उसका छोटा भाई नुसरत रूही जहान जैन जो बशीरहाट की सांसद है संदेश खाली की, उनका मंगेतर। अब आप समझिए कि 2012 से नुसरत रूही जहान जैन जिससे भी रिश्ता जोड़ती है वो अल्टीमेटली बलात्कार ही निकलता है। क्यों कालियागंज और हाथ खाली की घटना पे भी मैंने बहुत आवाज उठाई थी, जब ममता बनर्जी ने कहा था 14 साल 11 साल की बच्चियों का बलात्कार हुआ और मर्डर हुआ, तो ममता बनर्जी साहिबा ने कह दिया कि भाई वो तो प्यार मोहब्बत था, प्रेग्नेंट थी, प्यार मोहब्बत में सब होता है। तो मैं तो 2012 से पूरा लिस्ट बताने को तैयार हूं और मैं तो कह रही हूं आखिर क्यों नासिर खान दोबारा जेल नहीं जा रहा है? क्या नुसरत रूही जहान जैन का आशीर्वाद है नासिर खान के सर पर, या डायरेक्ट ममता बनर्जी साहिबा का आशीर्वाद है नासिर खान के सर पर? क्या वजह है
कि नासर खान दोबारा जेल नहीं जा रहा है, फाइव स्टार होटल में अरबों रुपए खर्च कर करके शादी कर रहा है, अपना बेटी पैदा कर रहा है, बेटी के बर्थडे में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कहां से आ रहा है ये पैसा? 10-10 साल जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसके पास ये लाखों करोड़ों रुपए आ कहां से रहा है? इसका मतलब है कि कोई स्ट्रेटेजी है हिंदू महिलाओं और क्रिश्चियन महिलाओं पर अत्याचार करने का, ये स्ट्रेटेजी का बड़ा मुख है नासिर खान। और ये सारे दोस्त और ये सारे रिश्तेदार उसी के निकलते हैं, नुसरत रोही जहान जैन के, तो ये तो अब तो डीप डाउन जाने की बात है, अब तो सारे पंथियों को खोलने की बात है कि जो ममता बनर्जी के आंख में आंसू बिल्कुल बानो के लिए आता है, उसी ममता बनर्जी के आंख में आंसू सुजर जॉर्डन के लिए क्यों नहीं आता है, कामदोनी के लिए क्यों नहीं आता है? तो बहुत सोचने वाली बात है ना कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए क्यों नहीं आता है जिन्होंने 3-3 डेकेड कभी कभी लेफ्ट फ्रंट को वोट किया है और अभी पिछले 15 साल से ममता बनर्जी साहिबा को वोट दे रही है। उन्होंने अपने लिस्ट अपने अपने स्लिप दिखाए हैं वोटर आईडी के कि भाई हम तो ममता बनर्जी को वोट देते हैं और आज तब भी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो एक्चुअली में ममता बनर्जी साहिबा को नासिर खान जैसे लोगों के नेतृत्व में हिंदू बहु बेटियों का जेनोसाइड करना है और बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नासिर खान के ऊपर, टारगेट करना है क्रिश्चियन लड़कियों का के ऊपर, पंजाबी लड़कियों के ऊपर, हिंदू लड़कियों के ऊपर, ये टारगेट है नासिर खान के ऊपर। और इसका इसके सर पर आशीर्वाद किसका है? उनकी 2011-10 से दोस्त जो नुसरत रोही जहान जैन है उनका आशीर्वाद। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया, जहां पे नाज़िया खान जी ने आपको पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया, क्योंकि खुद वो पश्चिम बंगाल में रहती हैं और उनसे अच्छे हालात कोई भी बता नहीं सकता, क्योंकि खुद संदेश खाली के ग्राउंड लेवल पे वो पहुंची थी जहां पे उनको जाने से रोका गया। और आपने देखा नाज़िया खान जी ने पूरी बंगाल सरकार को और खासकर टीएमसी नेता नुसरत जहां को भी आड़े हाथों लिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।